हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज इस वीडियो में हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयन का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए दो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एक को हम आयन चैनल बोलते हैं और जो दूसरी प्रोटीन होती है उसको हम पंप बोलते हैं। आयन चैनल्स जो होते हैं वो आयन्स का अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवाते हैं, जबकि जो पंप होते हैं वो आयन्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवाते हैं। और ये दोनों ही प्रोटीन जो होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयन का सेलेक्टिव मूवमेंट करवाती हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक वोल्टेज का डिफरेंस, एक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और उसी वोल्टेज के डिफरेंस को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नर्व सेल के अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करता है किसी स्टिमुलस के लिए। मींस जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है तो नर्व सेल में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही जनरेट होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से नर्व सेल में एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। यहाँ विद द हेल्प ऑफ थ्री डायग्राम, मैंने तीन डायग्राम बनाए हुए हैं और इन तीन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि नर्व सेल के अंदर किस तरह से एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होती है, मींस जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आया, तो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, मेम्ब्रेन में तीन तरह के यहाँ पर प्रोटीन दिखाई है मैंने। एक को हमने सोडियम पोटेशियम पंप बोला है, दूसरी इसमें क्या है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है, और तीसरा जो है इसमें वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल है। तो जब मेम्ब्रेन क्या होती है रेस्टिंग स्टेज में होती है, मींस जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आता, तब तक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ये जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं ये ओपन रहते हैं। और जब सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहते हैं तो सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है तीन सोडियम आयन को उठाकर सेल के अंदर से बाहर ट्रांसफ़र करना और दो पोटेशियम आयन को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा बनी रहती है और सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा बनी रहती है। मींस ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा बनाए रखने का काम करता है और सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा बनाए रखने का काम करता है। क्योंकि ये सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को सेल के बाहर मेंटेन कर रखता है, जिसकी वजह से सेल का एक्सटीरियर जो है वो पॉजिटिव रहता है और सेल का इंटीरियर जो है वो नेगेटिव रहता है, और सेल का इंटीरियर इन रेस्टिंग स्टेज अप्रॉक्सीमेटली -60 mV होता है। इस स्टेज को हम पोलराइज्ड स्टेज बोलते हैं कि इस स्टेज में जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड रहती है। आफ्टर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के बाद जैसे ही क्या होता है कोई स्टिमुलस आता है, तो जब कोई स्टिमुलस आता है तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप थे ये क्लोज हो जाते हैं और इन्होंने जो पोटेंशियल डिफरेंस किया, क्रिएट किया था, मीन सेल के बाहर बहुत पॉजिटिव था और सेल के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, तो ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट सोडियम आयन चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है, वो ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल वो सोडियम आयन चैनल होते हैं जो वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से ओपन होते हैं। तो जब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन होते हैं तो बहुत सारा सोडियम जो है वो सेल के बाहर से मूव करके सेल के अंदर जो है वो आने लगता है, और सेल के अंदर जब बहुत सारा सोडियम आ जाता है तो सेल का इंटीरियर जो कि -60 mV था, इतना नेगेटिव था, वो वापस से क्या, वो क्या हो जाता है +30 हो जाता है, +30 पहुंच जाता है, मींस +30 mV पहुंच जाता है। इस टाइम पर जो पोटेशियम आयन चैनल हैं वो लीकी ही रहते हैं और सेल का इंटीरियर जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और इस स्टेज को हम डीपोलराइज स्टेज बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज कर गई है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो गया है। उसके बाद क्या होता है, रीपोलराइजेशन स्टेज आती है। रीपोलराइजेशन स्टेज में क्या होता है कि ये जो सोडियम आयन चैनल ओपन हुए थे, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हुए थे, ये सडन क्लोज हो जाते हैं। जब ये सडन क्लोज हो जाते हैं तो इनके क्लोजर की वजह से क्या होता है, प्लस चार्ज मीन सोडियम आयन का अंदर आना बंद हो जाता है, और जब सोडियम आयन अंदर आने बंद हो जाते हैं तो
जो वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट हुआ था, फिर से एक बार वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट हुआ कि बाहर जो है नेगेटिव हो गया और अंदर बहुत पॉजिटिव हो गया था, तो ये वोल्टेज का जो डिफरेंस इस सोडियम आयन चैनल ने क्रिएट करा था, उस वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो कि हर जगह लीकी थे वो यहाँ पर फुली ओपन हो जाते हैं। और जब ये फुली ओपन होते हैं तो बहुत सारा पोटेशियम आयन जो सेल के अंदर भरा हुआ था वो निकल के बाहर के साइड मूव करने लग जाता है। एक तो पोटेशियम आयन चैनल की वजह से पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर जाने लगता है, दूसरा जो सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट थे मेम्ब्रेन में, ये भी सोडियम आयन के थ्रू पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेजने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल का इंटीरियर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, मीन्स -80 MV तक पहुँच जाता है, मीन्स पोलराइज्ड से भी नीचे चला जाता है। उस कंडीशन को हम हाइपर पोलराइज्ड स्टेज बोलते हैं, मीन्स मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज से भी नीचे चली गई है, हाइपर पोलराइज्ड हो गई है। इस स्टेज को हाइपर पोलराइजेशन स्टेज कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन चैनल जो कि फुली ओपन हो गए थे वो वापस से धीरे धीरे करके लीकी हो जाते हैं, और जब ये लीकी हो जाते हैं तो पोटेशियम आयन का जो फ्लो जो बहुत तेजी से हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इतनी तेज नहीं बाहर निकल पाता। जब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम निकलना स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल इनर साइड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, -80 MV पहुँच गया था, वो वापस से धीरे धीरे करके -60 MV तक आ जाता है, और उस स्टेज को हम रीपोलराइजेशन स्टेज बोलते हैं, मीन्स मेम्ब्रेन जो है वो रीपोलराइज कर जाती है। इस तरह से नर्व सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। अब हम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट और ग्राफ आपको इस एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के बारे में डिटेल में बताएंगे। यहाँ हम आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से और ग्राफ की हेल्प से बताएंगे कि किस तरह से किसी नर्व सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है, और नर्व सेल के एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जनरली नर्व सेल के एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में ये चार स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले को हम पोलराइज बोलते हैं या पोलराइजेशन बोलते हैं, दूसरा स्टेप डीपोलराइजेशन होता है, इसमें तीसरा स्टेप जो होता है वो हाइपर पोलराइजेशन होता है, और इसका जो चौथा स्टेप होता है वो रीपोलराइजेशन होता है। जब तक मेम्ब्रेन को कोई स्टिमुलस नहीं मिलता, मीन्स नर्व सेल की मेम्ब्रेन को कोई स्टिमुलस नहीं मिलता, तब तक मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड स्टेज में रहती है, मीन्स उस टाइम सेल का इंटीरियर जो है वो नेगेटिव होता है, अप्रॉक्सीमेटली -60 MV होता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि मेम्ब्रेन को कोई स्टिमुलस मिलता है, तो जब मेम्ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है तो बाहर से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेल के अंदर एंटर करने लग जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन चैनल, जिसकी वजह से सेल का इंटीरियर जो -60 MV था वो -60 MV से +30 MV हो जाता है, और उस स्टेज को हम डीपोलराइज्ड स्टेज बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज कर जाती है। आफ्टर डीपोलराइजेशन ये जो सोडियम आयन चैनल ओपन हुए थे जिसकी वजह से सेल का इंटीरियर पॉजिटिव हो गया था, वो चैनल क्लोज हो जाते हैं, और जब वो चैनल क्लोज होते हैं तो बदले में क्या होता है, जो पोटेशियम आयन चैनल इसमें प्रेजेंट थे वो ओपन हो जाते हैं, और बहुत सारा जो पोटेशियम है बहुत सारा पॉजिटिव वापस से सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने लगता है, जिसकी वजह से सेल का इंटीरियर जो होता है वो फिर से बहुत नेगेटिव हो जाता है, और उस स्टेज को हम हाइपर पोलराइज स्टेज बोलते हैं, और इस टाइम मीन्स हाइपर पोलराइज स्टेज में सेल का इंटीरियर जो है वो -80 MV तक पहुँच जाता है। आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन सेल मेम्ब्रेन जो है वो वापस से रीपोलराइज करती है, मीन्स जो पोटेशियम आयन चैनल जो कि लीकी से फुली ओपन हुए थे वो वापस से लीकी हो जाते हैं, और जो पोटेशियम आयन चैनल वापस से लीकी होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर जा रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेल का इंटीरियर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था वो वापस से -60 MV तक आ जाता है, और इस कंडीशन को रीपोलराइजेशन स्टेज बोलते हैं। इस तरह से ये चार स्टेज जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन करवाने में हेल्प करती हैं नर्व सेल में। यहाँ यही चीज हमने ग्राफ की हेल्प से दिखाई हुई है कि किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है, और एक वेव एक सिग्नल की फॉर्मेशन होती है जिसको ब्रेन तक पहुँचाया जाता है, और फिर ब्रेन जो है उस एक्शन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करता है।
जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है तो वो पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड होगी तो उसका पोटेंशियल, उसका इंटीरियर जो है वो -60 MV होता है। लेकिन जैसे ही मेम्ब्रेन क्या करती है, डीपोलराइज होती है, डीपोलराइज होती है तो उसका पोटेंशियल, उसका इंटीरियर जो है वो +30 MV तक पहुंच जाता है। और जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल +30 MV पहुंचता है तो आफ्टर डीपोलराइजेशन जब वो रीपोलराइज करती है या हाइपर पोलराइज करती है तो हाइपर पोलराइज स्टेज में उसका पोटेंशियल जो है, इंटीरियर जो है वो -80 MV हो जाता है। और आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो वापस से रीपोलराइज कर जाती है। रीपोलराइज करने का मतलब है कि फिर से अपने रेस्टिंग पोटेंशियल को गेन कर लेती है जो अप्रॉक्सीमेटली 60 MV होता है। किसी भी नर्व सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने के लिए जो स्टिमुलस होता है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा दे। मींस केवल वही स्टिमुलस जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा सकता है जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, और वो स्टिमुलस जो किसी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा दे उस स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। मींस अगर स्टिमुलस जो है वो वीक होगा तो वो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं करवाएगा। अगर स्टिमुलस जो है, इस स्टिमुलस में इतनी कैपेसिटी है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा दे तो उस स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। मींस केवल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ही होता है जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा सकता है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड की, कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो ड्यूरेशन होता है नर्व एक्साइटेबिलिटी का, वो ड्यूरेशन जब एक स्टिमुलस के लिए नर्व एक्साइट ही हो रखी है और आप उसी ड्यूरेशन में एक दूसरा स्टिमुलस दे दो और उस दूसरे स्टिमुलस के प्रति जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट ना हो पाए। मीन्स वो ड्यूरेशन नर्व एक्साइटेबिलिटी का, वो ड्यूरेशन जिसमें दूसरे स्टिमुलस के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पा रहा, उस ड्यूरेशन को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो दो टाइप का होता है, एक को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड को जानते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। नर्व एक्साइटेबिलिटी का वो ड्यूरेशन जिसमें आप चाहे कितना भी स्ट्रांग स्टिमुलस दे लो, एक्शन पोटेंशियल जो है वो किसी हाल में जनरेट ना हो, उस ड्यूरेशन को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। जबकि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ये नर्व एक्साइटेबिलिटी का वो ड्यूरेशन होता है जिसमें अगर आप एक लंबा और एक स्ट्रांग स्टिमुलस देते हो तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो सकता है, उस ड्यूरेशन को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। इधर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन सा होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन सा होता है। डीपोलराइजेशन से लेकर हाइपर पोलराइजेशन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें चाहे आप कितना भी स्ट्रांग स्टिमुलस दे लेना, एक्शन पोटेंशियल जो है वो किसी हाल में जनरेट नहीं हो सकता, उसी ड्यूरेशन को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। जबकि हाइपर पोलराइजेशन से लेकर रीपोलराइजेशन तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में अगर एक लंबा और एक स्ट्रांग स्टिमुलस दिया जाए तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो सकता है। इस तरह से इस पूरे वीडियो में मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के बारे में बताया कि किस तरह से जो नर्व सेल है उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।